हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं जर्नी ऑफ मिस्टर कोल में। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफर में, और जैसा कि आपने पहले देखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लिखा हुआ था। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और सबको ध्यान देना चाहिए। अब फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे की ओर और देख पा रहे हैं ये सफ़र शक्तिनगर से लेकर के आगे हम लोग चलते हैं बीना की ओर, और रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाने के बाद जो ट्रिपर्स और ट्रक्स की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और आपने ठीक पहले ही देखा होगा कि किस तरह से जो है वो ट्रक वाले ने ओवरटेक किया और ये सब कुछ हुआ। चलिए चलते हैं। और ये फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं कोहरोल, और कोहरोल में भगवान शिव का मंदिर है और काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही मान्यताएं हैं इस क्षेत्र के हिसाब से। तो अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होगी NCL सिंगरौली की, तो वहाँ पर आपने कोहरोल में जो भगवान शिव का ये मंदिर है इसके बारे में आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे ये एक्चुअली एक डैम का भाग है, यहाँ तक पानी कभी कभी रहा करता था, अब पानी उतना नहीं आता है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। फिलहाल वहाँ से निकलते हुए कृष्णशिला के आगे आप ये देख पा रहे हैं शनिदेव का मंदिर, जो कि बीना पहुँचने से पहले आपको दिखाई देगा। तो कुछ नई नई चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ, क्योंकि पिछले जो बीना का वीडियो मैंने बनाया था बीना प्रोजेक्ट का NCL के, तो वहाँ कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ था कि आप इन चीज़ों को कवर करें, जैसे कि यहाँ का स्टेडियम। तो चलिए चलते हैं और स्टेडियम को कवर करते हैं और देखते हैं कि बीना का जो स्टेडियम है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे पहले बहुत सारे मैसेज हुआ करते थे, इवन यूपी के लेवल के मैसेज हुआ करते थे, स्टेट लेवल के जो क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे। और बीना का स्टेडियम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है, जो कि बीना प्रोजेक्ट के अंदर में है और NCL सिंगरौली के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ पे जो है काम करने के अलावा जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो है एक भव्य स्टेडियम रहे, ताकि वो खुद अगर किसी स्पोर्ट्स में अगर सेल करते हैं तो वो यहाँ पे आकर के जो है ना टैलेंट और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ NCL द्वारा की जाती है, तो उसका बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो क्रिकेट के मैच हो, खासकर क्रिकेट के मैचेस का, या अदर एथलीट जो स्पोर्ट्स हैं वो सारे कुछ यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिलहाल जो है कोविड के कारण इसको बंद किया कर रखा है और अंदर जाने की परमिशन है नहीं, तो मैं बाहर से ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बीना का स्टेडियम है। और बहुत सारे लोग जो मेरे DAV के मित्र हैं या NCL के मित्र हैं या आसपास के लोग हैं, बहुत सारी यादें यहाँ के लिए जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी यादें आपके इस स्टेडियम के बारे में हो, तो आप ज़रूर अपना जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें, बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो तो यहाँ पे अंदर में मैं आपको सारी चीज़ें मैं दिखा सकूँ। तो फिलहाल ये स्टेडियम बीना स्टेडियम NCL सिंगरौली के द्वारा एक भव्य स्टेडियम का निर्माण बहुत ही पुराने समय से किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये पुराने स्टेडियमों में से एक है जो कि NCL के द्वारा निर्माण किया गया था। और ये बीना जो एरिया है, बीना प्रोजेक्ट NCL सिंगरौली के अंदर जो आता है, जो यूपी के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि खड़िया, कृष्णशिला, बीना और ककरी, चार प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें ये सबसे बड़ा, इस पूरे यूपी के प्रोजेक्ट जो भी NCL के हैं उसमें सबसे बड़ा स्टेडियम यहीं पे बीना प्रोजेक्ट के अंदर में है। और ये सामने दुर्गा मंडप है जो मैंने आपको दुर्गा पूजा वाले ब्लॉग में दिखाया हुआ था। और चलिए चलते हैं और आगे
देखते हैं, बहुत लोगों की यादें हैं यहाँ के लिए। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं ये हटबैंड के जो क्वार्टर्स हैं, ये बहुत ही पुराने पुराने क्वार्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें यहाँ पे जुड़ी हैं। और शॉपिंग सेंटर भी है पास में। तो ये जो कॉलोनी है ये बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। जब कोलियरी बसी थी यहाँ पे, जब नया नया खदान खुला था, तब जमाने के ये सारे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। चलिए आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये RCSS या RCMS, आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। तो उनका ये यूनियन का ये ऑफिस था, और फिलहाल ये स्कूल सामने आप देख पा रहे हैं। और उसी के बगल से गुजरते हुए जब हम निकलेंगे तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, अब आप पहुँच चुके हैं बहुत ही भव्य जगह पे। बहुत ही भव्य इसका जो है निर्माण किया गया है, छठ घाट बनाने के लिए सब कुछ। ये पूरा ये मंदिर एरिया आप बीना का देख ही पा रहे हैं। और बहुत लोगों की बहुत सारी पुरानी यादें होंगी, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देख के अच्छा लगता है उनको, या हो सकता है खराब लगता हो, तो वो जरूर कमेंट करके बताएं, पर वो चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उनकी क्या पुरानी यादें हैं इस बीना में, जो ये मंदिर के पास जो ये लेक जैसा एक एरिया को डेवलप किया गया था, बहुत पुराने है ये। और मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत पुराने समय से जो है इसका व्याख्यान भी है। और इसी के आसपास आपको अगल बगल आर्य समाज के भी मंदिर मिलेंगे, यज्ञशाला,
जो लोग यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं बहुत ही अच्छे 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 स्थानों पे, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में और बहुत अच्छे जगहों पे वो विद्यमान है। और फिलहाल पहले ये जगह जो थी वो बिल्कुल खाली हुआ करता था, यहाँ बसें लगा करती थी, अब क्वार्टर्स यहाँ पे जो है वो बन गए हैं बिकॉज क्योंकि मैन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है एनसीएल के अंदर में, तो इसके कारण से जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है, काफ़ी सारे क्वार्टर्स बन गए हैं। तो जो पहले का जो स्ट्रक्चर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है यहाँ का। और ये स्कूल का आप नज़ारा पीछे क्लासेस गुजरते हुए, बहुत सारी यादें होंगी आप सबकी। तो देखिए अब बिल्कुल ही येलो कलर से बिल्कुल इसको पेंट कर दिया गया है बाहर की दीवारों को। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जो रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, अब रेनोवेशन का पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्कूल जो है वो डीएवी बिना वो अब ऐसा दिख रहा है और येलो कलर से और ऑरेंज कलर से इसको पूरा जो है पेंट किया गया है। और ये सामने डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीना, जो कि पूरे एनसीएल सिंगरौली में अपना एक प्रबुद्ध स्थान रखता है। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से आईटी और मेडिकल के फील्ड में बहुत उन्होंने नाम प्राप्त किया है। और ये अपना पुराना डीएवी का प्लेग्राउंड जो कि फिलहाल कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बास्केटबॉल का कोर्ट जो कि उधर हुआ करता था उसको अब जो है इधर ट्रांसफर किया गया है। तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो कमेंट करें कि कैसा लगा आपको अपना ये स्कूल डीएवी स्कूल, और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, तो जरूर कमेंट करके बताएं आपकी क्या यादें हैं इस गेट के पास। चलिए चलते हैं और आगे की ओर, फिर आगे की ओर सफर में आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और आप जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये सी टाइप क्वार्टर्स, और मेरे राइट हैंड साइड में जो है वो क्लब एरिया है। और फिलहाल हम लोग चलते हैं और आपको मैंने जो है अभी तक बीना एरिया का जो हॉस्पिटल एरिया है जो कि काफ़ी वेल इक्विप्ड हो चुका है, नेहरू के बाद जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बीना एरिया का हॉस्पिटल है, जिसको जो है बिल्कुल डेवलप किया जा चुका है एनसीएल मैनेजमेंट के द्वारा जो है। और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो हैं, मशीनरी जो है और मैन पावर बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। अब जो है यूपी से के प्रोजेक्ट्स के जो एम्प्लॉय हैं उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एनएससी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है सारा उपचार, सारा मेडिकल असिस्टेंट जो है वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप लोग अभी हैं, और काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप इसको किया गया है, इसका इंफ्रा को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। और फिलहाल ये सामने आप देख पा रहे हैं बीना हॉस्पिटल, जो कि कोविड के कारण जो है अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी है, सब कुछ है। तो उसी बीच में जो है मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होते हैं अगर बीना का प्रोजेक्ट मिलेगा या ककरी का मिलेगा या खड़िया का मिलेगा तो कहाँ पे क्या चिकित्सा की जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएँ हैं वो कहाँ पर क्या बेटर है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीना के अंदर में बहुत ही बड़ा और बहुत ही
डेवलप्ड जो है वो हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और ये सामने देख पा रहे हैं, ये मुख्य द्वार बिना एरिया का निकलने का बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा ये आइकॉनिक जो है वो गेट बनाया गया है बिना एरिया का। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसको आप देख पाएंगे जब भी आप आएंगे, या जो पुराने लोग हैं उनके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव रहेगा। तो चलिए चलते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं बीना एरिया का जीएम ऑफिस, जो कि पिछली बार मैं आपको नहीं दिखा पाया था। तो ये बीना एरिया का जीएम ऑफिस है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है पिछले कुछ सालों से, और सेंट्रलाइज एसी का जो है पूरा का पूरा ये एक डेवलपमेंट हुआ था, जिसके कारण से जो है यहाँ पे डस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेन रोड हाईवे से बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ एक ऑफिस कैंपस है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट, और डस्ट के कारण जो है काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। तो इसीलिए जो है बीना मैनेजमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी का जो है वो पूरा का पूरा फैसिलिटी जो है उसको डेवलप किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा एक निर्णय रहा, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे जो जीएम ऑफिस था उसमें मेन रोड पे होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारा डस्ट और पॉल्यूशन के कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, बट अब बहुत ही अच्छा ये जीएम ऑफिस का डेवलपमेंट किया गया है। अब सामने ये फोर लेन देख ही पा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि फोर लेन का भी जो कार्य है जो इधर बीना तकरी तक का बिल्कुल ही एरिया बिल्कुल ही बहुत अच्छा इसको जो है वो कार्य बहुत अच्छे से किया गया है। फिलहाल ये सामने से आपको बीना का जीएम ऑफिस, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहें।